अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, अगर दो सेट मिले हुए हैं हमको, सेट ए एंड सेट बी, अगर दोनों सेट नॉन नल सेट हैं, मतलब कोई भी इनमें से नल सेट नहीं है, तो इनके हम कार्टिजन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम ए क्रॉस बी से शो करते हैं। अगर दो नॉन नल सेट ए एंड बी की कार्टिजन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो इनका जो सेट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर्स में होगा, इनका जो आंसर होगा वो ऑर्डर्ड पेयर्स में होगा, जो आंसर का सेट होगा वो किस में होगा, ऑर्डर्ड पेयर्स में, ए कॉमा बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। अगर दो सेट्स की जो कि नॉन नल सेट हैं, उनकी कार्टिजन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो उनका जो आंसर सेट आएगा, आंसर को भी हम सेट ही कहेंगे, वो किस में आएगा, ऑर्डर पेयर्स में आएगा, और ऑर्डर पेयर्स में जो पहला है वो ए से बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो बी है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। अब इसको हम एग्जांपल के तहत समझने की कोशिश करते हैं। अगर सपोज करें ए, अब सपोज करें सेट ए है 1, 2 एंड 3, और सेट बी है एक्स एंड वाई। अब ये हमें दो सेट मिले हुए हैं, तो हम इन दो सेट की कार्टिजन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, आइए करते हैं इसको। ए क्रॉस बी, कार्टिजन प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। अब ऑर्डर पेयर जो वन है वो एक्स के साथ, 1, x ऑर्डर पेयर पहला हो गया, फिर 1, y उसके बाद 2, 2x के साथ रखेंगे, 2, x, 2, y उसके बाद क्या है, 3, 3, x, 3, y। ये हो गई कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी की, ए सेट ए और सेट बी की कार्टिजन प्रोडक्ट हो गई। अब हमने तो ये जनरल जो लिखा था सेट बुलेट फॉर्म में, ए और बी, ए कमा बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, मतलब जो भी ऑर्डर पेयर बन रहे थे वो जो पहला है सब में जो पहला नंबर है वो किससे ताल्लुक रखेगा, ए से, सेट ए से, सेट ए से, मतलब यहाँ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3 किससे ताल्लुक रखता है, सेट ए से, और जो बाद वाले हैं जो दूसरे नंबर पे x, y, वो बी से ताल्लुक़ रखेंगे, एक्स वाई। अब इनका हम नंबर फाइंड करेंगे, कितने नंबर होते हैं इसमें, नंबर कितने हैं, 3 मेंबर कितने हैं इसमें, एलिमेंट्स 3 हैं, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। तो अगर n एलिमेंट्स ऑफ a को अगर n एलिमेंट्स ऑफ b, n एलिमेंट्स ऑफ a, m एलिमेंट्स ऑफ b करेंगे, तो जो a क्रॉस b आएगा वो n इंटू m आएगा, a क्रॉस b, इनका जो एलिमेंट्स होंगे, इनके जो मेंबर होंगे वो कितने होंगे, n इंटू m। अब इसमें 3 इंटू 2, 6, अब से देखते हैं इसमें 6 एलिमेंट है, एक एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6, 6 एलिमेंट हो गए। अब अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल नल सेट, ये कैसे होगा, अगर ए आर बी दोनों में से कोई भी एक नल सेट होगा, तो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, नल सेट। क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, दो नॉन नल सेट ए एंड बी बोथ आर नॉन नल सेट,
कार्टिजन प्रोडक्ट करेंगे तो उसको ऑर्डर पेयर में उसका सेट आएगा ए बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। और इस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्यों? क्योंकि ऑर्डर पेयर है, यहाँ पे सेट नहीं है। सेट होता तो वो इक्वल होता, अब सेट नहीं है ऑर्डर पेयर से। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है? ऑर्डर पेयर का मतलब है कोई खास तरतीब दी गई हो, यहाँ पे जो ए है वो डोमेन है और बी जो है वो रेंज है। अब यहाँ पे जो ए के एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? डोमेन होंगे, डोमेन। और बी के एलिमेंट्स क्या होंगे? रेंज होंगे। अब इसमें देख लें, बी के एलिमेंट यहाँ पे इस क्रॉस प्रोडक्ट में, इस कार्टिजन प्रोडक्ट में जो बी के एलिमेंट्स है क्या बन रहे हैं? डोमेन बन रहे हैं और ए के रेंज बन रहे हैं। यहाँ पे ए के डोमेन है, यहाँ पे बी की डोमेन है, मतलब ये इक्वल नहीं है, ये दोनों सेट से इक्वल नहीं है। अलबत्ता अगर ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, देन ए सेट इज इक्वल टू बी सेट। अगर ए सेट और बी सेट इक्वल होगा देन ए क्रॉस बी इज इक्वल बी क्रॉस ए होगा।